टीवी सीरियल शादी मुबारक में होने वाला है बहुत ही बड़ा चेंज, जहां पर प्रीति डरने वाली है अपने ही बेटे तरुण के गाल पर जोरदार थप्पड़ और माफी मांगने के लिए उसे करने वाली है फोर्स। प्रीति का ये कदम देखकर केटी, कुसुम और उसकी बेटी सब कोई रह जाएंगे काफी ज्यादा हैरान कि आखिर माँ के अंदर इतनी हिम्मत कहां से गई। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट और टर्न की रोलर कोस्टर खत्म नहीं हुई है। अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रीति की सासू माँ आएगी उसके घर और उसे अपने गांव में एक शादी करवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगी, जहां पर प्रीति से कहेगी कि तू अकेले आना शादी की तैयारियों के लिए, क्योंकि वहां पर गांव का माहौल है और वो ये पार्टनरशिप और केटी जी के तेरे साथ में काम करने की बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन केटी जी के बिना प्रीति कोई भी शादी मुबारक की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों पार्टनर है और पार्टनर हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसी बात को डिस्कस करेगी वो केटी के साथ और केटी कुसुम मिलकर निकालेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया। और केटी की पहचान छुपाने के लिए यहाँ पर केटी लेंगे नया अवतार, नकली मूछ नकली दाढ़ी लगाकर केटी जाएगा प्रीति के साथ उसके गांव, जहाँ पर प्रीति बड़ी ही खुशी से सब कुछ कर रही होगी, सारी शादी की तैयारियाँ कर रही होगी और उसके सास ससुर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी शादी की तैयारियों के बीच होगा एक ऐसा साथ जिससे पलट कर रख जाएगी प्रीति की पूरी कहानी। प्रीति का कदम डगमगाएगा, जैसे ही प्रीति जमीन पर गिरने वाली होगी वो केटी की बाहों में आकर थम जाएगी और केटी उसे रोक लेंगे, उसे बचा लेंगे। गांव वालों के सामने किसी पराए मर्द की बाहों में अपनी बिंदनी को लेटा देख प्रीति की सास काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाएगी और कहेगी कि तूने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि गाँव का माहौल है और गाँव वाले क्या सोचेंगे। एक पराए मर्द के साथ किसी औरत का इतना करीबी रिश्ता यहाँ के लोग ना समझ पाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि एक के बाद एक प्रीति के हाथों से सारे शादी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो निकलते जा रहे हैं। ऐसे में दिवाली से पहले वो अपने बेटे से लगी शर्त को कैसे जीतेगी और कैसे कौन सी शादी का कॉन्ट्रैक्ट केटी और प्रीति मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे, ये सब कुछ देखना होगा आने वाले शो की कहानी में, बेहद इंटरेस्टिंग। We'll be right back.